कुमार तिवारी। मैं इस बोर्ड सीरीज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, रेट मेजर एंड एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का। क्योंकि रेट मेजर और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं है। रेट मेजर और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन ये आपका दो चैप्टर है, इस दो चैप्टर से मिला के अगर प्रॉब्लम आता भी है तो दो नंबर का आएगा, लेकिन चूंकि आपको 100 मार्क्स के लिए जाना है तो इसे आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चूंकि दो चैप्टर में आपका टोटल बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा, लगभग आपका 75+ प्रॉब्लम है, तो दो नंबर के लिए इतना मेहनत करना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से सही रहेगा। तो रेट मेजर और एरर अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर के लिए मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेट मेजर के बारे में हल्का फल्का, फिर एरर अप्रोक्सीमेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा जिसको आप बना लें, उसी से आएगा एग्जामिनेशन में या रिविजन करने के लिए, वो बेस्ट प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में भी बता दूंगा, जो प्रॉब्लम आप जरूर देख के जाए उसको अच्छे से बना कीजिए। तो रेट मेजर, रेट मेजर में आपको मेन देखना है कि किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना। अगर मानिए आपसे पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को डिफ्रेंशिएट करना है रेडियस के रिस्पेक्ट। अगर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके कुछ ना कुछ कंडीशंस उसमें दिया रहेगा जिसके मदद से आप वैल्यू निकाल पाएंगे। इसमें यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट को देख के भी आप बहुत काम कर सकते हैं। जैसे टाइम, टाइम का यूनिट आपका मीटर हो, मिनट होता है, सेकेंड होता है, ईयर होता है। लेंथ, लेंथ का यूनिट आपका मीटर में दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, फिट में दे सकता है। तो अगर मानिए आपके पास कुछ गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, इसका मतलब साफ है कि आपके पास गिवन है लेंथ का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर मानिए दिया हुआ 10 cm² per second, मतलब कि आपका 10 cm² per second है, तो स्क्वायर यूनिट है, तो इसे एरिया का डिफरेंशिएशन दिया हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको यूनिट को देख के पहचानना है या प्रॉब्लम को पढ़ के अच्छे से पहचानना है कि क्या गिवन है और किसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो ये था आपका रेट मेजर का कंसेप्ट। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में एक केवल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। फॉर्मूला क्या है? डेल वाई इज इक्वल टू डीवाई डीएक्स इनटू डेल एक्स। डेल वाई जो है वो स्मॉल चेंज इन वाई है, और डेल एक्स जो है वो स्मॉल चेंज इन एक्स है, मतलब। और यहाँ पे डीवाई डीएक्स क्या है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एरर अप्रोक्सीमेशन में क्या रहेगा? कोई, जैसे मानिए कोई एक प्रॉब्लम दे दिया 25.2 का स्क्वायर रूट, तो 25.2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट तो हम जानते ही हैं, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो इस 0.2 के वजह से स्क्वायर रूट में क्या चेंज आएगा, वो चेंज हमको पता करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, आपको मेनली दो चीज पता करना, मेनली आपको डेल वाई पता करना। तो डेल वाई पता करने के लिए आपको डीवाई डीएक्स पता करना पड़ेगा और डेल एक्स पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करें, जो 25.2 जो डेटा दिया हुआ है, उस पूरे डेटा को आप एक्स प्लस डेल एक्स माने, तो आपका x प्लस डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 25.2। अब आप देखें कि इस 25.2 के आस पड़ोस में कोई ऐसा वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 25 एक ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप x को 25 माने, तो जैसे ही आप x को 25 मानेंगे आपका डेल एक्स आ जाएगा और डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.2। तो डेल एक्स आ गया आपके पास। अब आपको डीवाई डीएक्स निकालना है, तो डीवाई डीएक्स निकालने के लिए आपको एक फंक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। तो फंक्शन फॉर्म करने के लिए आपको क्या यहाँ पे दिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 25.2, मतलब यहाँ पे आपको जो फंक्शन फॉर्म करना है वो स्क्वायर रूट का फंक्शन फॉर्म करना है। तो आप एफ एक्स माने रूट एक्स, तो जैसे ही आपके पास एफ एक्स आ जाएगा रूट एक्स, आप वहां से डीवाई डीएक्स निकाल सकते हैं। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स, और एक्स का वैल्यू आपको मालूम है, एक्स का वैल्यू है 25। तो 25 आप रखेंगे तो वहां से आपका डीवाई डीएक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो डीवाई डीएक्स का वैल्यू आ गया, डेल एक्स का वैल्यू आ गया, रख के डेल वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब
25.2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो रूट अंडर 25.2 हम जानते हैं कि रूट अंडर 25 के बराबर होता है, तो 0.2 के वजह से क्या फर्क पड़ेगा, वो डेल वाई बता देगा। जो डेल वाई आएगा वही आपका 5 प्लस डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा, और वहीं से आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा रूट अंडर 25.2 का। तो ये था कंसेप्ट आपका एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का। अब इसमें प्रॉब्लम आपको क्या मिलेगा, तो देखिए रेट मेजर से मैंने आपको टोटल, रेट मेजर एंड एरर अप्रोक्सीमेशन से टोटल मैंने केवल 10 प्रॉब्लम दिया। अगर ये 10 प्रॉब्लम आप देख लेते हैं तो रेट मेजर और एरर अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम आपसे नहीं छूटेगा। इस 10 प्रॉब्लम में भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपका नंबर 2 है। नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको जरूर देखें और अच्छे से बनाएं। नंबर 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है और नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 को आप बहुत अच्छे से बनाए। टोटल रेट मेजर में मैंने 6 प्रॉब्लम दिया है। ये 6 प्रॉब्लम में से 3 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, एक आप देख लें क्वेश्चन नंबर 10 और एक आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इतना प्रॉब्लम देख लेंगे तो एरर अप्रोक्सीमेशन और रेट मेजर का कोई भी प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक चीज और याद रखना है कि जब कभी भी आपके पास रेट मेजर का प्रॉब्लम आएगा तो जब आप आंसर करेंगे तो यूनिट आप जरूर लिखें, क्योंकि ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और यूनिट पे आपका 0.5 मार्क्स होता है, तो 2 मार्क्स में अगर 0.5 मार्क्स चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए आप यूनिट जरूर लिखेंगे, ये याद रखें। इस पेज को मैं अपने FB पेज पे शेयर करूंगा, आप वहां से जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। उस FB पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।